तो भाई काफी लोग बोल रहे थे कि यार कैजुअल टी शर्ट्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आओ। तो भाई मैंने सोचा कि यार पोलो से बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है, इसको चाहे कैजुअल में पहन लो, सेमी कैजुअल पहन लो, स्मार्ट कैजुअल्स में पहन लो, इवन फॉर्मल्स में भी काफी लोग पहन के जाते हैं और बढ़िया लगते हैं। वेलकम टू कॉलेज सीरीज पार्ट 6। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पोलो टी शर्ट्स। इसके अंदर मैं आपको क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल कैसे करके जाना है कॉलेज अगर जा रहे हैं तो सब कुछ बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं बेसिक पोलो टी शर्ट्स जो आपके पास होनी चाहिए, आपके वार्डरोब में जरूर होनी चाहिए, वो है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये ब्लैक कलर की पोलो टी शर्ट है। अब भाई ये मत सोचना स्टार्टिंग तो 400-500 लिखी है, लेकिन मैं दिखा आपको 1200-1300 की रहा हूं। आगे भी कुछ सस्ते ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा, कुछ प्रीमियम ऑप्शंस भी दिखाऊंगा, सारी मिला के मैंने ये पोलो टी शर्ट मंगवाई है। तो सबसे पहले ये बेसिक पोलो टी शर्ट फ्रॉम द ब्रांड स्निच, और इसका जो प्राइस है 1300 है। जब से वो शार्क टैंक में आए हैं बहुत ज्यादा प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया, नहीं तो ये वाली पोलो टी शर्ट आपको 700 की पड़ती है अगर कुछ साल पहले आपने परचेज करी होती। स्टिल क्वालिटी अच्छी है। तो इसके अंदर स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक साइज आते हैं, और जो मैंने वेयर कर रखा है वो एम साइज है। और इसकी फिटिंग आप देख सकते हो स्लिम फिट के अंदर है, 100% कॉटन के अंदर है, तो आपको गर्मी फील नहीं होगी। और जो आप स्ट्राइप्स देख रहे हो सामने से, तो इससे बहुत ज्यादा ब्रीदेबल बन जाता है, क्योंकि जो नेटवर्क दे रखा है क्रोशे नेटवर्क होता है ना, बिल्कुल एकदम बारीक सा नेटवर्क दे रखा है, इससे बहुत ज्यादा ब्रीदेबल बन जाती है। कुछ डिजाइन नहीं दे रखा, कोई बटन नहीं दे रखे, बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट लग रही है। जैसे ओल्ड मनी के अंदर हम ढूंढते हैं ना, वैसी बिल्कुल पोलो टी शर्ट आपको मिलेगी, और कोई आलतू फालतू डिजाइन नहीं दे रखा, बिल्कुल प्लेन और बेसिक पोलो टी शर्ट है, जो कि हर वार्डरोब में, हर एक लड़के के वार्डरोब में होनी चाहिए। और आप रिपीट भी करोगे तो भाई पता नहीं लगता कि आप रिपीट कर रहे हो इसको। बाकी आप फिटिंग देख सकते हो, भाई इंक्रेडिबल फिटिंग है, शानदार फिटिंग आई है इसकी। तो मैंने इसको ना ग्रे कलर के साथ स्टाइल करा है, ग्रे कलर की ट्राउजर के साथ। ये मैंने शॉपसी से मंगाई थी, काफी सस्ती पड़ी थी, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये भी आप कॉलेज के लिए प्रेफर कर सकते हो। तो भाई जैसे ब्लैक थी वैसे ही व्हाइट का भी डिजाइन है, आप देख सकते हो सामने से कैसी लग रही है। इसके अंदर भी वही स्ट्राइप्स दे रखे हैं। ओल्ड मनी अगर सर्च करोगे ना तो ऐसी ही पोलो टी शर्ट्स आपको मिलती हैं, व्हाइट, ब्लैक, और ऐसे ही स्ट्राइप्स दे रखे होते हैं। प्राइस जो है 1200 है, और वही मीडियम साइज मैंने ऑर्डर करा था, और 100% कॉटन के अंदर है। तो भाई इसकी भी फिटिंग सेम टू सेम आई है, शानदार फिटिंग है, आप देख सकते हो सामने से, और काफी ज्यादा ब्रीदेबल है। कंफर्ट भाई अलग ही लेवल का है, और ये चिपकती नहीं है बॉडी से बिल्कुल भी, सबसे अच्छी बात इसकी ये है। स्टाइलिंग की अगर बात करें तो मैंने इसको पेयर करा है एक बूट कट जींस के साथ, तो ओवरऑल कॉम्बो बहुत बढ़िया लग रहा है कॉलेज के हिसाब से। ऐसा कुछ आप भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी दिन आप पहन के जाओगे तो हमेशा बढ़िया लगेगा। तो भाई आपको पता है कि टेक्सचर्ड पोलो का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब पोलोज ही क्या, आप नॉर्मल टी-शर्ट्स बाय करो या शर्ट्स बाय करो, तो उसके अंदर टेक्सचर्स आपको मिलते हैं। तो एक टेक्सचर्ड पोलो मैंने ऑर्डर करी है फ्रॉम द ब्रांड हाईलैंडर। अब इसका जो प्राइस है वो 700 के अराउंड है, 712 इसका प्राइस है, और इसका मैंने मीडियम साइज ऑर्डर करा है। ब्लैक, व्हाइट मैंने आपको दिखा दी, और ये बेज कलर भी एक वर्सेटाइल कलर है, एक न्यूट्रल कलर है, बहुत सारे अनेकों कॉम्बिनेशंस आप इसके साथ बना सकते हो। तो सामने से आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर इसके ऊपर जो पैटर्न दे रखा है, जो टेक्सचर दे रखे हैं, और जो टेक्सचर है ना ये नेटवर्क दे रखा है, प्रॉपर नेटवर्क है, ताकि ब्रीदेबल रहे और आपको गर्मी कम लगे। फैब्रिक की अगर बात करूं तो फैब्रिक है इसका 60% कॉटन एंड 40% पॉलिएस्टर, और मेरे हिसाब से एक डिसेंट बाय है 712 के अकॉर्डिंग। एक बहुत अच्छा डिजाइन दे रखा है, और सामने से बटन्स का क्लोजर दे रखा है, जो कि काफी यूनिक बनाता है, एक विंटेज वाइब देता है इस पोलो टी शर्ट। तो ओवरऑल एक रिलैक्स फिट टी शर्ट है, जो कि आपके बहुत सारे बॉटम वेयर के साथ आराम से आप पेयर कर सकते हो। तो मैंने इसके साथ जो पेयर करा है वो ब्लैक कलर की ट्राउजर वेयर करी है, थोड़ी सी स्लिम फिट के अंदर है ये, साथ में ब्राउन कलर की एक वॉच पहनी है, उससे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर के लोफर्स पहने हैं। तो बहुत ही एक विंटेज वाइब देने वाला एक आउटफिट है, तो आप ऐसा कुछ वेयर कर सकते हो कॉलेज के। नेक्स्ट इज फ्रॉम द ब्रांड इंडियन टेरेन, इसका जो प्राइस है 879 है, और सामने से फिटिंग वगैरह आप देख सकते हो कैसी लग रही है। इसकी जो मेन खासियत है वो कॉलर के अराउंड ही दे रखी है, और स्लीव्स के अराउंड दे रखी है, कोई व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स है, और व्हाइट कलर का काम यहाँ पे कर रखा है इसके कॉलर के अराउंड। ब्रांडिंग मिल जाती है छोटी सी हार्ट के यहाँ पे, कलर वगैरह अच्छा है इसका, सामने से मरून कलर जो सामने से दे रखा है, और इसकी जो रेटिंग है 4.8 इसकी रेटिंग दे रखी है। और साइज की बात करूं तो मीडियम साइज इसका अभी ऑर्डर करा है मैंने, और बटन का क्लोजर दे रखा है सामने से। और फैब्रिक की बात करूं तो 100% कॉटन है, तो इसके अंदर गर्मी आपको बहुत कम लगेगी, तो डेली वेयर के हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्टाइलिंग की बात करें तो मैंने अपना फेवरेट कलर कॉम्बो इसके साथ वेयर करा है, नेवी ब्लू कलर की ट्राउजर वेयर करी है। मरून और नेवी ब्लू का जो कलर कॉम्बो है बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो। नीचे व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहन सकते हो, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम द ब्रांड रेमंड, अब इसका जो प्राइस है वो है 1104। अब भाई रेमंड अपने आप में ही नाम है, और भाई 1104 आई थिंक जस्टिफाइड है। तो सामने से आप देख सकते हो फिट इसका कैसा लग रहा है, भाई इसका साइज वही मीडियम साइज है, रेगुलर फिट के अंदर है, 100% कॉटन है, तो गर्मी कम लगेगी। कॉलर पे और स्लीव्स पे आपको ग्रे कलर की स्ट्राइप्स मिलती हैं, छोटू सा लोगो मिलता है आपको चेस्ट की साइड। कंफर्ट, फिट, क्वालिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है इस टी शर्ट का। अगर थोड़ी सी
लंबी हो जाती है ना जब टी शर्ट, तो उसको टक इन भी कर सकते हो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, और अगर टक इन करते हो तो आपकी हाइट ओवरऑल अच्छी लगती है क्योंकि आपके पैर लंबे लगते हैं और आपकी जो अपर बॉडी है थोड़ी छोटी लगती है। तो इस वजह से हमेशा आप टक इन करना। पोलो टी शर्ट अगर आप बाहर लटकाओगे तो वही हाफ में डिवाइड हो जाती है, तो उससे आपकी हाइट जो है थोड़ी कम लगेगी। इसके साथ मैंने बेज कलर की चीनो स्टाइल करी है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने साथ में ब्राउन कलर के लोफर्स और ब्राउन वॉच पहनी है। तो ओवरऑल आप मुझे बताओ कि कलर कॉम्बो कैसा लग रहा है। अभी आपको कोई यूनिक सा कलर कॉम्बो बनाना है समझ नहीं आ रहा, ग्रीन और बेज आप ट्राई करके देखो, हमेशा बढ़िया लगता है। तो भाई मैंने आपको बेसिक पोलोज दिखा दी, टेक्सचर्ड पोलोज दिखा दी, अब बारी है कलर ब्लॉक पोलो की। अब भाई स्नीकर्स के अंदर चली हुई है और इवन पोलोज के अंदर भी चली हुई है। तो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर और इसका जो प्राइस है वो है 479, जो कि इस पूरी वीडियो के अंदर सबसे सस्ती वाली पोलो है। सामने से देख सकते हो, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग एक डिसेंट बाय कहूंगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी भी नहीं है, जितना प्राइस है उसके अंदर ठीक ठाक है। तो आप पकड़ोगे ना हाथ में, आपको पता लग जाएगा कि भाई थोड़ा थोड़ा सी थ्रू आपको नजर आएगा, बिल्कुल एवरेज क्वालिटी कहूंगा। तो फिटिंग आप देख सकते हो सामने से कैसी लग रही है, 100% कॉटन के अंदर है। साइज इसका मैंने मीडियम ऑर्डर करा है। आप प्रिंट सामने से देख सकते हो, बहुत सुंदर सा कलर ब्लॉक डिजाइन दे रखा है सामने से। तो ये आप हमेशा कैजुअली ही पहन सकते हो। तो अगर आपका बजट 500 के अराउंड है तो आप ये वाली चेकआउट कर सकते हो। कलर ब्लॉक डिजाइन दे रखा है सामने से, तो भाई ज्यादा छेड़छाड़ मत करना बॉटम से, बिल्कुल बेसिक बॉटम रखना। ब्लैक कलर की जीन्स पहन सकते हो या नेवी ब्लू पहन सकते हो, एकदम प्लेन रहना चाहिए, या फिर रॉ जीन्स आती है ना बिल्कुल सॉलिड में, वो पहन सकते हो, वो आराम से इसके साथ वेयर करना। तो ओवरऑल जो कलर कॉम्बो है या फिर आउटफिट मैं कहूंगा वो बढ़िया ही रहेगा। आप ऐसा कुछ प्रेफर कर सकते हो, एक डिसेंट आउटफिट है कॉलेज के हिसाब से और आपको बजट में भी पड़ता। तो नेक्स्ट इज फ्रॉम द ब्रांड कूक एंड कीच। अब भाई नेवी ब्लू भी बनती है भाई आपके वार्डरोब में, होनी चाहिए पोलो टी शर्ट। सामने से देख सकते हो ओवरऑल डिजाइन इसका कैसा है। इसका जो प्राइस है वो है 674 और भाई साइज की बात करूं तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक अवेलेबल है, लेकिन इसका मैंने मीडियम साइज ही ऑर्डर करा। इफ यू आर इनटू ओल्ड मनी फैशन देन भाई आपके पास एक नेवी ब्लू कलर की ट्राउजर, एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट, नेवी ब्लू कलर की पोलो टी शर्ट तो जरूर होनी चाहिए। इसके अंदर चार और कलर अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेन जो हाईलाइट है इसकी वो है ये क्वार्टर जिप जो दे रखा है पोलो के अंदर। भाई मैंने एक भी आपको ऐसी नहीं दिखाई जो क्वार्टर जिप हो जिसमें, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। बिल्कुल बेसिक सी नेवी ब्लू कलर की पोलो टी शर्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी जितने भी पोलो टी शर्ट मैंने अभी तक ट्राई करी है उनमें से सबसे अच्छा कंफर्ट मुझे इस पोलो टी शर्ट के अंदर मिला। भाई पहनते ही एकदम मखमल सी लग रही थी पहनने के बाद। है तो 100% कॉटन, लेकिन पता नहीं क्यों फर्क है ऐसा, क्योंकि बहुत बढ़िया कंफर्ट आ रहा था इसको पहनने के बाद। भाई फिटिंग क्वालिटी फैब्रिक और इवन अफोर्डेबल भी है, तो मेरे हिसाब से भाई ये वाली मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। भाई स्टाइलिंग तो बताना भूल ही गया, तो आप देख सकते हो मैंने कैसे पेयर करा है। ग्रे कलर की ट्राउजर के साथ इसको वेयर करा है, जो शॉपसी वाली मैंने आपको बताई थी। ब्लू और ग्रे का कलर कॉम्बो बहुत यूनिक सा भी लग रहा है और बहुत बेसिक और सिंपल भी लग रहा है, तो ऐसा कुछ आप वेयर कर सकते हो। नीचे व्हाइट कलर के स्नीकर्स मैंने कैरी करे हैं, तो किसी भी दिन आप वेयर करोगे तो एक रिलैक्स आउटफिट है, ट्रेंडी सा आउटफिट है जो कि आजकल जैसा चला हुआ है। तो ऐसा कुछ आप भी ट्राई कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो जब आप कॉलेज जाओ। तो भाई अगर आपको ब्लैक कलर की बेसिक पोलो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वो पसंद नहीं आई, तो ये वाली डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। इसकी मेन हाईलाइट है इसका कॉलर, तो आप देख सकते हो सामने से बहुत ही कूल लग रहा है, सुंदर लग रहा है, इसको एक यूनिक सा टच दे रहा है। इसका जो प्राइस है वो है 1049 और उसका वही मीडियम साइज मैंने ऑर्डर करा है, रेगुलर फिट के अंदर है और वही बटन क्लोजर दे रखे है सामने से, छोटा सा लोगो दे रखा है चेस्ट की साइड पे। तो मेन डिटेलिंग इसको इसकी कॉलर पे आपको मिलती है, जो व्हाइट एंड ब्लैक की स्ट्राइप्स दे रखी है वो बहुत कूल बना रही है, और सेम डिजाइन आपको स्लीव्स के अराउंड भी मिलता है। तो ये भी 100% कॉटन के अंदर है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी और कंफर्ट भी बहुत सही आ रहा था। सामने से फिटिंग आप देख सकते हो कितनी शानदार आई है इस टी शर्ट की, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। आप इसके साथ ग्रे भी पहन सकते हो या फिर ऑल ब्लैक लुक भी कैरी कर सकते हो जैसे मैंने करा है। ब्लैक कलर की रिलैक्स फिट जींस पहनी है, साथ में स्नीकर्स कैरी करें तो कॉम्प्लीमेंट दिस कॉलर, व्हाइट कलर के मैंने साथ में कैरी करें। लड़कों में आपको पता है कि यार बहुत कम चीजें आती हैं और थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के चेंजेस से ही बात बनती है, आप पहन के जाओगे ना तो बढ़िया ही लगेगी। तो भाई ये थी वीडियो ऑन पोलो टी शर्ट्स, आई होप आपको पसंद आई होंगी। और इनके साथ जो मैंने बॉटम्स कैरी करे हैं उनके भी लिंक मैं डाल दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। भाई लास्ट कार्गो वाली वीडियो में काफी भाई लिख रहे थे कैजुअल ट्राउजर्स पे एक वीडियो लेकर आओ, तो नेक्स्ट कैजुअल ट्राउजर्स पे होने वाली है। और भी आप सजेशंस दे सकते हो मुझे कमेंट्स के अंदर, डेफिनेटली मैं क्योंकि कॉलेज सीरीज पे ही काम कर रहा हूं तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि भाई आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बना दूं, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आगे आने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।